क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमित गर्ग है, आमजन कल्याण समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये मामला विगत 8 वर्षों से चल रहा है। 2014 से केंद्र की सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया को इतनी ताकत दे दी गई सेबी को कि जितनी भी भारतवर्ष में कंपनियां चल रही थी, PSEL, सहारा, साई प्रसाद, कल्पतरु, तमाम कंपनियों पर कई तरह के आरोप लगाकर बंद कर दिया गया, जिसमें से कई कंपनियां गलत थीं, लेकिन सभी कंपनियां गलत नहीं थीं। जिनके अपने पास इतनी पूंजी थी और वो सही राह पर कार्य कर रही थी, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया। आज एजेंट और निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहा है 8 वर्ष से। 2016 में 2 फरवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी बना दी गई, जिसके अनुसार PSEL की जितनी भी संपत्ति थी उसको बेचकर इन सभी का पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन भारत में न्याय व्यवस्था पूर्ण तरह से उस रास्ते पर है कि जहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आज हम लोग सब दोबारा से लॉकडाउन के बाद इस मिशन पर निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील के माध्यम से, जो कि लोढ़ा कमेटी, इस पर एक कमेटी बनाई गई है PSEL के मुद्दे पर कि 2500 से लेकर 10000 तक का भुगतान करने का दावा कर रही है। हम उस दावे को गलत ठहराते हैं कि 10000 तक का पूर्ण निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर रहे हैं लोढ़ा कमेटी को, और सुप्रीम कोर्ट से हम ये प्रार्थना करेंगे इस लोढ़ा कमेटी को समाप्त कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, या तो दूसरी कमेटी बनाई जाए, या कंपनी को ही एक मौका दिया जाए भुगतान करने का, या कोई अन्य रास्ता निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में हम लोगों का ब्याज सहित भुगतान कराए, क्योंकि मात्र 50,000 करोड़ रुपया 5 करोड़ निवेशकों का देना है, जिसके लिए 1,85,000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि भुगतान फिर भी अभी तक नहीं हो पाया है। लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, न जाने जिले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कितने बार हम लोग जंतर मंतर पर बरेली में, फिरोजाबाद में, मुरादाबाद में, मथुरा में, लखनऊ में धरने दे चुके हैं, राजनीतिक स्तर पर भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। अब एक ही रास्ता है, न्यायपालिका। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहे हैं, और उसके लिए आज हम मिशन की शुरुआत बरेली से की है। मैं अमित गर्ग इस मिशन पर आमजन कल्याण समिति के माध्यम से, सब किस कंपनी से है? PSEL इंडिया लिमिटेड, पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेट लिमिटेड से हम लोग जुड़े हुए थे। 70 लाख एजेंट था पूरे भारतवर्ष में, 5 करोड़ निवेशक हैं इस कंपनी के।